हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाऊंगी फूल गोभी या कॉलीफ्लावर के बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पराठे दो अलग तरीकों के साथ। साथ ही इन पराठों से रिलेटेड कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इन पराठों को बनाना। इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप या 250 ग्राम के लगभग गेहूं का आटा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन पराठों के लिए डो रेडी करूँगी। तो यहाँ पर आटे को मैंने एक प्लेट में डाल दिया है। पराठों के बाहर की लेयर फीकी ना लगे इसलिए मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी और इसका ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड डो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें अच्छे से मसल मसल कर इस डो को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस डो को रेडी कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे ढक दूंगी और 10 से 12 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने दूंगी। तो जब तक हमारा ये डो रेस्ट करता है स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक छोटे साइज़ की फूल गोभी। इसका डंठल निकाल कर मैंने इसे अच्छे से साफ़ पानी से वॉश कर लिया है और इसका पानी सुखा लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ हरे धनिए की पत्तियाँ ली हैं, 2 हरी मिर्च ली है। इन दोनों को मैं यहाँ पर बारीक कट कर लूँगी। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस गोभी को ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ का ग्रेटर लिया है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी गोभी को ग्रेट कर लूँगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अदरक को छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इन पराठों में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन। हाथ से क्रश करते हुए इसे डालूँगी। तो टेस्ट के साथ ही अजवाइन डाइजेशन में भी हेल्प करती है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है। इन दोनों को एक साथ तवे पर रोस्ट कर लिया है। तो इसका मैं यहाँ पर पाउडर तैयार करूँगी। तो ऐसा करने से स्टफिंग में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इन दोनों की जगह यहाँ पर नॉर्मल धनिया पाउडर और नॉर्मल जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। तो इन दोनों के पाउडर को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला है क्योंकि अभी नमक डालने से स्टफिंग में मॉइस्चर आ जाएगा। तो नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इसे मैंने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। डो की तरफ चलते हैं। हाथों में थोड़ा सा घी या रिफाइंड ऑयल लेंगे और इस डो को एक बार अच्छे से नीड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इन पराठों के लिए बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो पहले टाइप के पराठों के लिए मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के बॉल्स तैयार कर रही हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे टाइप के पराठों के लिए मैं यहाँ पर 2 छोटे बॉल्स तैयार कर लूँगी। स्टफिंग में मैं अब डाल दूँगी यहाँ पर नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें। अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ सूखा आटा डस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं इस बॉल्स को थोड़ा चपटा करूँगी और साइड से इसे थोड़ा पतला कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्टफिंग। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच स्टफिंग। अच्छे से स्टफिंग को प्रेस करते हुए और किनारों को सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हटा लेंगे, हाथों से इसे गोल कर लेंगे। इसे मैं चकले पे रखूंगी और थोड़ा सा इसे प्रेस कर लूंगी हाथों से। अब मैं यहाँ पर इसे हल्के हाथों से बेल लूंगी। तो यहाँ पर ये पराठे मुझे थोड़ा पतले पसंद हैं इसलिए मैं इन्हें थोड़ा पतला बेल रही हूँ। तो
यहाँ पर मैंने ये पहले टाइप का जो पराठा है उसे बेल लिया है। तवा यहाँ पर गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी पराठा। अच्छे से इसे एक साइड से सिकने देंगे। तो पराठा यहाँ पर एक साइड से सिक चुका है, मैंने इसे पलट लिया है। अब मैं इसमें लगा लूँगी घी। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, पर घी में ये पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो दोनों साइड से अच्छे से मैं यहाँ पर घी लगा लूँगी। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पर घी लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लूँगी। ऐसा करने से ये पराठे क्रिस्पी बनते हैं। तो दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो हमारा यहाँ पर ये पहले टाइप का पराठा बनकर रेडी हो गया है। इसे मैं यहाँ पर प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरीके से दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा बॉल्स लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे पूरी के आकार का बेल लूँगी। तो यहाँ पर हमें दो पूरी के आकार की रोटी बेलनी होती हैं, एक ही साइज़ की। तो यहाँ पर मैंने दोनों रोटियाँ बेल ली हैं। इसके ऊपर मैं रखूँगी स्टफिंग। तो स्टफिंग मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रख रही हूँ। स्टफिंग को मैंने फैला दिया है। इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, अच्छे से साइड से प्रेस कर लेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा हल्के हाथों से बेल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरे टाइप का पराठा भी बेल लिया है। तो इसको भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी गरम तवे पर। अच्छे से एक साइड से सिकने देंगे। तो ये पराठा यहाँ पर एक साइड से सिक चुका है। इसके ऊपर मैं लगा दूँगी घी। तो दूसरी साइड इसे पलट लेंगे और इस पर भी लगा देंगे घी। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पर घी लगा लिया है। एक बार इसको अच्छे से मैं प्रेस करते हुए सेक लूँगी। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरे टाइप का पराठा भी अच्छे से सिक चुका है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीकों से दोनों पराठे तैयार कर लिए हैं। बाकी के पराठे भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो आपको इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड अच्छा लगे, आप उससे इन पराठों को बना सकते हो। तो गोभी के पराठे बनाते समय हमें यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। फर्स्ट, पराठों का जो डो है वो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। सेकंड, स्टफिंग में मॉइस्चर ना आए, इसके लिए नमक हमें सबसे एंड में ही डालना है। थर्ड, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन पराठों को सेकना है, ताकि जो अंदर की स्टफिंग है अच्छे से कुक हो जाए। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो जो पराठे हैं बाहर से अच्छे से सिक जाएंगे, लेकिन जो अंदर की स्टफिंग है वो कच्ची रह जाएगी। फोर्थ और लास्ट टिप, अगर स्टफिंग में थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाए और इन्हें बेलने में थोड़ा मुश्किल हो रही हो, तो आप इस स्टफिंग में एक चम्मच गेहूं का आटा मिला दें। तो ऐसा करने से आप इजीली इन पराठों को बेल पाओगे। तो यहाँ पर ये छोटे टिप्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके जो ये पराठे हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं ये लास्ट वाला पराठा भी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मुझे ये पराठे थोड़ा क्रिस्पी ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए इस लास्ट वाले पराठे को मैं थोड़ा क्रिस्पी बना रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा ये पराठा यहाँ पर सिका है। तो यहाँ पर मैंने इस पराठे को प्लेट में निकाल लिया है, इसे कट किया है। तो अंदर से जो स्टफिंग है वो अच्छे से कुक हो चुकी है और बाहर से हमारा ये पराठा काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो आप इन पराठों को दही, बटर, मीठी या हरी चटनी, अचार या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हो।
तो आप इन पराठों को ज़रूर बनाएं। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।